आज हम आपके लिए अमृतसर के अंदर एक 283 स्क्वेयर यार्ड की डबल स्टोरी कोठी 6 BHK जो बनी हुई है वो लेके आए हैं। काफ़ी अच्छी प्राइम लोकेशन के ऊपर होली सिटी के अंदर एक कोठी लोकेटेड है। आइए आपको घर अंदर से दिखाते हैं। घर के अंदर एंटर करते सबसे पहले देखिए पॉर्च एरिया दिया गया है। प्रॉपर आप यहाँ पर बड़ी कार अपनी पार्क कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से पूरे घर को डेकोरेट किया गया है। प्रॉपर आप देखिए प्लांट लगाए गए हैं। बाहर आप देखिए काफ़ी अच्छे शोपीस लगाए गए हैं। एक साइड में पूरा गार्डन एरिया दिया गया है। काफ़ी अच्छे तरीके से पूरे गार्डन को आप देखिए मेंटेन और डेकोरेट किया गया है। बैठने के लिए टेबल कुर्सी भी रखे गए हैं। इस कोठी का फ्रंट 32 फुट है और इसकी लंबाई 80 फुट है। ये 283 स्क्वेयर यार्ड की डबल स्टोरी की कोठी है। काफ़ी अच्छे तरीके से पूरी कोठी बनाई गई है। आइए आपको कोठी अंदर से दिखाते हैं। बाहर आप देखिए जाली का मेन एंट्रेंस गेट दिया गया है। घर के अंदर एंटर करते ही सबसे पहले देखिए पैसेज एरिया है। सामने आप देखिए लॉबी की स्पेस दी गई है। पूरे घर के अंदर आप देखिए काफ़ी अच्छे डेकोरेटिव पीस लगाए गए हैं और काफ़ी सुंदर पेंटिंग लगाई गई है। आप ये लॉबी एरिया देखिए। लॉबी एरिया के अंदर प्रॉपर आप देखिए डाइनिंग टेबल लगाया गया है। यहीं से कर्व स्टेयरकेस ऊपर फर्स्ट फ्लोर के लिए जा रही हैं। बैक साइड पर आप देखिए पूजा रूम है, 2 बेडरूम है और राइट हैंड पे भी एक बेडरूम दिया गया है। बाहर आप देखिए एक वैनिटी लगाई गई है। काफ़ी अच्छे तरीके से और काफ़ी अच्छे वेल डिज़ाइन ये पूरी कोठी आपको फुली फर्निश्ड मिल जाएगी। डबल हाइट का ये कटआउट देखिए, पूरी आपको कर्व स्टेयरकेस यहाँ से दिखेगी। स्टेयरकेस के नीचे आप देखेंगे तो टीवी पैनल बनाया गया है। काफ़ी अच्छे तरीके से इसको डेकोरेट किया गया है। आइए आपको लिविंग एरिया दिखाते हैं। काफ़ी अच्छे बड़े साइज़ का देखिए लिविंग एरिया बनाया गया है। प्रॉपर डाउन सीलिंग का काम है। पूरे घर के अंदर आप देखिए विट्रीफाइड टाइल लगाई गई है। लिविंग एरिया के अंदर आप देखिए काफ़ी अच्छा फर्नीचर लगाया गया है। एक एंट्रेंस बाहर से भी दी गई है। विंडो के ऊपर आप देखिए काफ़ी सुंदर कर्टन लगाए गए हैं। काफ़ी अच्छा फर्नीचर और काफ़ी अच्छे तरीके से पूरी कोठी को मेंटेन किया गया है। काफ़ी अच्छी सिटिंग एरिया बनाई गई है। सोफे के ऑपोजिट भी आप देखिए एक सोफ़ा लगाया गया है और प्रॉपर सेंटर टेबल लगाया गया है। काफ़ी अच्छे तरीके से इस कोठी का डिज़ाइन किया गया है और काफ़ी वेल मेंटेन कोठी है। आइए आपको किचन एरिया की तरफ लेके चलते हैं। काफ़ी अच्छी बड़ी ये स्पेशियस किचन बनाई गई है और पूरी मॉडर्न फिटिंग इसके अंदर इंस्टॉल की गई है। रोशनी वेंटिलेशन के लिए काफ़ी बड़ी विंडो दी गई है, चिमनी लगाई गई है। पूरी आप देखिए काफ़ी अच्छे कंट्रास्ट का लैमिनेट यूज़ किया गया है और काफ़ी बड़ी ये किचन है और प्रॉपर इसके अंदर देखिए हर एक तरह की यूनिट बनाई गई है। इसके अलावा इसके अंदर आप देखिए डबल बॉल का सिंक लगाया गया है। इसी के साथ अटैच डक्ट एरिया है जिसको एज ए आप देखिए सिंक एरिया बना के वॉशिंग एरिया बनाया गया है। ऊपर से डक्ट को जाल लगा के कवर किया गया है। काफ़ी अच्छी वेल डिज़ाइन है, पूरी मॉडलर किचन है। ग्राउंड फ्लोर पर 3 बेडरूम दिए गए हैं और एक पूजा रूम दिया गया है। आइए आपको पहले बेडरूम दिखाते हैं। ये उनकी डॉटर का बेडरूम बनाया गया है। काफ़ी अच्छे तरीके से आप फ्लोर के ऊपर देखिए वुडन पैटर्न की टाइल लगाई गई है। काफ़ी सुंदर इसके अंदर पूरा फर्नीचर बनाया गया है। कॉर्नर बेड बनाया गया है, वार्डरोब बनाई गई है। इसके अलावा आप इसके अंदर देखिए एक स्टडी टेबल बनाया गया है और एक ड्रेसर एरिया भी बनाया गया है। इस कमरे के साथ अटैच बाथरूम एरिया भी है और रोशनी वेंटिलेशन के लिए विंडो भी दी गई है। काफ़ी अच्छे तरीके से इस पूरे रूम को डिज़ाइन किया गया है। काफ़ी अच्छे बड़े साइज़ का ये बेडरूम है। इसी के साथ अटैच बाथरूम है। आइए आपको बाथरूम दिखाते हैं। इस बाथरूम के 2 दरवाजे दिए गए हैं। गेस्ट लोग इसको बाहर लॉबी से भी यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपर तरीके से देखिए वॉल फ्लोर टाइल लगाई गई है और पूरी बाथरूम की फिटिंग इंस्टॉल है। आइए आपको पूजा रूम की तरफ लेके चलते हैं। के अंदर आप देखिए प्रॉपर एक सेपरेट पूजा रूम के लिए अलग से स्पेस दी गई है और काफ़ी अच्छे तरीके से आप देखिए इसको तैयार किया गया है। इसका स्लाइडिंग डोर दिया गया है, आराम से यहाँ पे आप बैठ के पूजा कर सकते हैं। इसी के साथ आइए आपको बैक साइड पे जो बेडरूम है वो दिखाते हैं। सबसे पहले आइए आपको मास्टर बेडरूम दिखाते हैं। फ्लोर के ऊपर आप देखिए विट्रीफाइड टाइल लगाई गई है। काफ़ी सुंदर आप देखिए डबल बेड बनाया गया है। डाउन सीलिंग का काम किया गया है। रोशनी वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है। आप इस बेड का साइज़ देखिए, किंग साइज़ का ये डबल बेड बनाया गया है। काफ़ी सुंदर तरीके से इसका डिज़ाइन किया गया है।
साइड में आप देखिए एक टीवी यूनिट या स्टडी टेबल कह लीजिए, एक हाई बैक चेयर लगाई गई है। बेड के ऑपोजिट आप देखिए टीवी यूनिट भी बनाया गया है, बैठने के लिए एक्स्ट्रा सीटिंग दी गई है। इसके साथ ही अटैच ड्रेसर एरिया है। ड्रेसर एरिया के अंदर आप देखिए फुल हाइट की वार्डरोब बनाई गई है, काफ़ी अच्छा बड़ा ये ड्रेसर एरिया के लिए स्पेस दी गई है, काफ़ी अच्छी इसके अंदर आप स्टोरेज कर सकते हैं। इसी के साथ अटैच काफ़ी बड़ा बाथरूम है, सामने देखिए मिरर दिया गया है ड्रेसिंग के लिए। बाथरूम देखिए, बाथरूम के अंदर आप देखिए काफ़ी सुंदर वैनिटी बनाई गई है, रोशनी वेंटिलेशन के लिए रोशनदान दिया गया है। पूरे बाथरूम के अंदर आप देखिए काफ़ी अच्छी डिजाइनर टाइल लगाई गई है, शावर एरिया को ग्लास पार्टीशन देके कवर किया गया है। काफ़ी अच्छा बड़ा स्पेशियस बाथरूम है, ड्रेसर एरिया है, मास्टर बेडरूम है। अब आपको ग्राउंड फ्लोर पे जो थर्ड बेडरूम है वो दिखाते हैं। पूरे घर के अंदर आप देखेंगे तो 8 फुट के चौखट दरवाजे लगाए गए हैं। ये आप बेडरूम देखिए, इसके अंदर भी विट्रीफाइड टाइल लगाई गई है, सामने रोशनी वेंटिलेशन के लिए काफ़ी बड़ी विंडो दी गई है। इसके अंदर भी आप देखिए काफ़ी सुंदर डिजाइनर बेड लगाया गया है। बेड के साइड पे आप देखिए साइड टेबल बनाए गए हैं और इसी के साथ थोड़ा शोकेस भी बनाया गया है। काफ़ी अच्छा पूरे घर का डिज़ाइन किया गया है और काफ़ी अच्छे तरीके से ये पूरा मेंटेन है। बेड के अपोजिट आप देखिए टीवी यूनिट बनाया गया है, एक कॉर्नर पर आप देखिए हाई बैक चेयर लगाई गई है। काफ़ी अच्छे बड़े ये पूरे बेडरूम बनाए गए हैं। इस बेडरूम के साथ भी अटैच ड्रेसर एरिया और काफ़ी बड़ा बाथरूम दिया गया है। इस बाथरूम के अंदर आप देखिए वाइट थीम के ऊपर पूरा बाथरूम बनाया गया है, वाइट कलर की फ्लोर टाइल लगाई गई है और वॉल टाइल लगाई गई है। वैनिटी देखिए, इसके अलावा पूरे बाथरूम के अंदर जैगवार कंपनी की फिटिंग इंस्टॉल है। काफ़ी अच्छे बड़े साइज़ के बाथरूम बनाए गए हैं। सामने आप देखिए वैनिटी है, वॉल हैंगिंग सीट लगाई गई है। इसके अलावा एक साइड पे आप देखिए पूरा ड्रेसिंग सेट बनाया गया है ड्रेसिंग करने के लिए। इसी के अंदर एक देखिए फुल हाइट की आपको स्टोरेज वार्डरोब बना के दी जा रही है। काफ़ी अच्छी बड़ी ये स्पेशियस कोठी है, होली सिटी के अंदर ये कोठी लोकेटेड है। 283 स्क्वायर यार्ड की 6 BHK की कोठी है। ग्राउंड फ्लोर जैसे हम लोगों ने आपको पूरा दिखा दिया है, सेंटर में लॉबी एरिया है, डाइनिंग एरिया है, किचन है, वैनिटी है, पूजा रूम है, इसके अलावा 3 बेडरूम है और काफ़ी बड़ी मॉडलर किचन बना के दी जा रही है। हमारी दी इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अनलॉक सुपर प्रॉपर्टी बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। इसी तरह की अच्छी इन्फॉर्मेशन हम लोग आपके लिए लेके आते रहते हैं ताकि हमारे क्लाइंट को बेस्ट से बेस्ट कोठी मिले। फर्स्ट फ्लोर पर एंटर करते सबसे पहले देखिए लॉबी एरिया है, काफ़ी बड़ा ये लॉबी का एरिया है। यहाँ पर भी एक कॉर्नर पर आप देखिए सिटिंग एरिया बनाया गया है, सेंटर में डाइनिंग टेबल लगाया गया है, यहीं से कर्व स्टेयर के सुपर टेरेस की तरफ जा रही है। इस फ्लोर के अंदर एक स्टोर रूम दिया गया है, बैक साइड पे 2 बेडरूम अटैच बाथरूम दिए गए हैं, एक छोटी पेंट्री दी गई है, वैनिटी दी गई है और सामने की तरफ एक काफ़ी बड़ी बालकनी है। आइए सबसे पहले लॉबी का आप पूरा एक बार लुक देख लीजिए। कॉर्नर पे सिटिंग एरिया दिया गया है, स्टेयर के यहीं से ऊपर टेरेस की तरफ जा रही है। आइए आपको बालकनी दिखाते हैं। बाहर आप देखिए काफ़ी अच्छी बड़ी ये बालकनी दी गई है, कवर्ड बालकनी है। बाहर आप देखिए ग्लास की रेलिंग लगाई गई है, पूरे फ्लोर के ऊपर विट्रीफाइड टाइल है। घर के बाहर आप देखिए 50 फुट की मेन रोड है। कोठी का आप ये गार्डन एरिया देखिए। इस बालकनी के अंदर आप प्रॉपर अपनी सिटिंग बना सकते हैं, काफ़ी अच्छी बड़ी ये बालकनी की स्पेस दी गई है। बाहर जितने भी दरवाजे हैं उनको जाली के डोर एक्स्ट्रा लगाए गए हैं। आइए आपको फ्रंट की साइड पे जो बेडरूम है वो दिखाते हैं। फ्लोर के ऊपर आप देखिए वुडन पैटर्न की विट्रीफाइड टाइल लगाई गई है, रोशनी वेंटिलेशन के लिए काफ़ी बड़ी विंडो दी गई है। काफ़ी अच्छे तरीके से इस बेडरूम के अंदर भी पूरा फर्नीचर लगाया गया है। इसका एक रास्ता बाहर बालकनी की तरफ भी जाता है। प्रॉपर आप देखिए काफ़ी अच्छा बड़ा डबल बेड लगाया गया है। इसके अलावा आप कॉर्नर पर देखिए फ्लावर पॉट लगाए गए हैं। बैठने के लिए इसके अंदर सिटिंग एरिया भी दिया गया है। इस रूम को एज ए गेस्ट बेडरूम के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आइए आपको लॉबी से बैक साइड की तरफ लेके चलते हैं। बैक साइड पे जो 2 बेडरूम दिए गए हैं वो आपको दिखाते हैं। काफ़ी अच्छे बड़े साइज के ये भी बेडरूम है, इनके साथ भी अटैच ड्रेसर एरिया और बाथरूम दिया गया है। इस बेडरूम के अंदर भी देखिए काफ़ी अच्छा फर्नीचर लगाया गया है। एक वॉल के ऊपर आप देखिए काफ़ी सुंदर वॉल पेपर लगाया गया है। कमरे के अंदर आप देखिए रोशनी वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है, प्रॉपर
इसके अंदर भी एक राउंड टेबल लगाया गया, बैठने के लिए चेयर लगाई गई है। बेड के ऑपोजिट आप टीवी भी लगा सकते हैं, उसका प्रोविज़न भी है। रोशनी वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है। काफ़ी अच्छे बड़े ये पूरे बेडरूम बनाए गए हैं। इनके साथ भी अटैच ड्रेसर एरिया दिया गया और बाथरूम दिया गया। आइए आपको वो दिखाते हैं। बाथरूम के अंदर आप देखिए काफ़ी अच्छी वॉल टाइल और फ्लोर टाइल लगाई गई है। इसके अंदर भी आप देखिए काफ़ी अच्छी सुंदर वैनिटी लगाई गई है और ग्लास पार्टीशन शावर एरिया के लिए दिया गया है। जितने भी बाथरूम हैं उनके अंदर जैगवार कंपनी की फिटिंग लगाई गई है और काफ़ी अच्छे बड़े बाथरूम बनाए गए हैं। प्रॉपर वेंटिलेशन का इनके अंदर ध्यान रखा गया है। प्रॉपर आप देखिए पूरी फिटिंग, गीज़र वगैरह सब इसके अंदर इंस्टॉल है। ड्रेसिंग एरिया दिया गया है और इसके अंदर भी एक स्टोरेज वार्डरोब आपको बना के दी जा रही है। आइए आपको जो थर्ड बेडरूम है उसकी तरफ लेके चलते हैं। ये भी काफ़ी बड़ा बेडरूम है, इसके अंदर भी डबल बेड लगाया गया है। उसके अपोजिट टीवी यूनिट है, बैठने के लिए सीटिंग एरिया दिया गया है। रोशनी वेंटिलेशन के लिए डक्ट एरिया से विंडो दी गई है। काफ़ी अच्छे स्पेशियस ये पूरे बेडरूम है। इसके साथ भी आप देखिए काफ़ी बड़ा ड्रेसर एरिया दिया गया है। एरिया के फ्लोर के ऊपर आप देखिए डार्क ब्राउन कलर की टाइल लगाई गई है। काफ़ी अच्छी वार्डरोब स्टोरेज के लिए बना के दी जा रही है विद ड्रेसिंग टेबल। इसी के साथ काफ़ी बड़ा बाथरूम दिया गया है। बाथरूम आप देखिए, बाथरूम के अंदर भी रोशनी वेंटिलेशन के लिए रोशनदान दिया गया है। प्रॉपर वॉल फ्लोर टाइल लगाई गई है और पूरी बाथरूम की फिटिंग इंस्टॉल है। पूरे बाथरूम के अंदर आप देखिए ग्लास टॉप की सारी वैनिटी लगाई गई हैं। काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पूरी कोठी को तैयार किया गया है। होली सिटी अमृतसर का एक काफ़ी पॉश इलाका है। इसके अंदर काफ़ी वाइड सड़कें हैं और इसकी अप्रोचिंग काफ़ी अच्छी है। हाईवे के ऊपर से इस प्रॉपर्टी की होली सिटी की एंट्री है और एयरपोर्ट के काफ़ी ये नज़दीक है। रंजीत एवेन्यू के भी काफ़ी नज़दीक है ये। अगर आप इस प्रॉपर्टी को देखना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं तो हमारे नंबर स्क्रीन के ऊपर दिए गए हैं, उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे दामों के ऊपर ये प्राइम प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं। फुली फर्निश्ड, काफ़ी वेल मेंटेन, काफ़ी सुंदर ये प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी ऑप्शंस आपके लिए हम लोग ये लेके आए हैं। टेरेस एरिया के ऊपर भी हम लोग आपको दिखाते हैं। सर्वेंट रूम दिए गए हैं विद अटैच बाथरूम। डक्ट एरिया को प्रॉपर कवर किया गया है। सोलर गीज़र यहाँ पे आप देखिए लगाया गया है। काफ़ी अच्छे तरीके से क्लाइंट ने कोठी अपने रहने के लिए बनवाई हुई है और काफ़ी अच्छी आप देखिए फ्रंट पे काफ़ी अच्छी नेबरहुड यहाँ का है और काफ़ी अच्छी कोठियाँ यहाँ पर बनी हुई है। काफ़ी अमृतसर का ये पॉश इलाका है और काफ़ी ग्रीन यहाँ पे एरिया बनाए गए हैं। बड़े बड़े पार्क वगैरह बनाए गए हैं। हमारा ऑफिस न्यू अमृतसर के अंदर है, आप हमारे से आके मिल सकते हैं। अमृतसर के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी सेल परचेज करें तो आप हमारे से कॉन्टैक्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।